गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्सू जोन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेस्ट ब्रेड के एजेस से बहुत ही डिलीशियस स्नैक की रेसिपी। तो चलिए देर ना करते हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे मिक्सर जार में डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे और इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और उसके बाद इन्हें एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 3 बॉइल्ड पोटैटोज, 1 फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम, 1 फाइनली चॉप्ड अनियन, 1 टेबलस्पून ऑफ फाइनली चॉप्ड करी लीव्स, 1 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स, 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ चाट मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करके कंबाइन कर लेंगे और एक डो टाइप का बना लेंगे। अगर आपको मिक्सचर थोड़ा ड्राई लगे तो आप उसमें 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। देखिए मिक्सचर जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम अपने हैंड्स को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और मिक्सचर का हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से इसकी बॉल बना के इसे फ्लैटन अप कर लेंगे और राउंड शेप के हम कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद के किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। देखिए इसी तरह से हम बाकी के सारे भी बना लेंगे। सारे कबाब बन चुके हैं तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। उसके लिए हम एक नॉनस्टिक पैन में 2 चम्मच तेल डाल लेंगे और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम इन कबाब को उस पैन में प्लेस कर देंगे अच्छे से और शैलो फ्राई कर लेंगे। इसे हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे अच्छे से और जब एक साइड उनकी अच्छे से क्रिस्प एंड गोल्डन हो जाए तो हम इसे केयरफुली फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरफ से भी क्रिस्प एंड गोल्डन होने तक पका लेंगे। इतने कम तेल में भी ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो देखिए ये हमारे अच्छे से गोल्डन एंड क्रिस्प हो चुके हैं दोनों तरफ से। तो अब हम इसे पैन से रिमूव कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो देखा आपने, हमने वेस्ट ब्रेड के एजेस से कितना ही डिलीशियस नाश्ता बना लिया है। इसे आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। सैलेड भी इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आई होप आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई फ्यूचर अपलोड। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।